अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस एस टारगेट। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज के जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वो सारे करेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो इवन पीपीएससी हो, एनटीएस हो, गैट हो या एमपीटी हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सबसे सिंपल सवाल है जी, फाइंड एवरेज ऑफ 9, 12, 13, 6, 10 एंड 4। हमने इनकी क्या करनी है, एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, एवरेज का फार्मूला हमारे पास होता है जी, सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज का फार्मूला है। तो हमने फाइंड किस किस करनी है, तो देखिए जी, वैल्यूज को सम कर देते हैं, 9, ये हमने वैल्यूज को सम कर दिया। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से देखते हैं इसका क्या आता है जी, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54, नीचे क्या आ गया 6, 54 को जब 6 पे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 9। ठीक है, 6, 9, 54, तो हमारे पास एवरेज क्या आई जी, 9। ये हमारे पास सबसे सिंपल सवाल था एवरेज का, जिसमें हमें फार्मूला भी पता लग गया और एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट भी हमारे पास क्लियर हो गया। देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 54। हमारे पास 5 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज पहले से ही बता दी गई है, 54 है। इफ़ 3 ऑफ द नंबर्स आर, कहता है वो 5 में से 3 नंबर ये हैं, 26, 28 और 30। इसका मतलब है 3 नंबर हमें बता दिए गए हैं, बाकी 2 नंबर हमें नहीं पता। What is the average of the other two numbers? और जो बाकी 2 नंबर बचते हैं ना, उनकी हमने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास एवरेज उसने स्टार्टिंग से ही दे दी गई है, उसने बता दिया जी 54। ठीक है, वो जो 3 नंबर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, वो 3 नंबर हमारे पास 26 है, 28 है और 30 है। ठीक है, हमने अदर टू नंबर्स की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। एवरेज ऑफ अदर टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा सवाल है। सवाल को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या दे दी गई है, 54। 3 नंबर की एवरेज हमारे पास गिवन है, 26, 28 और 30। एवरेज ऑफ अदर टू नंबर्स, जो बाकी 2 नंबर बच गए ना, हमने उसकी क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या है। एवरेज का फार्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब एवरेज हमें पता है 54 है, सम ऑफ वैल्यूज हमें नहीं पता, हम इसका क्या नाम रख देंगे, एक्स रख देंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है 5 है, टोटल कितनी है, 5 है। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज इसलिए नहीं पता कि हमें 3 का पता है, 2 का नहीं पता, वो तो निकालना हमने, तो इसलिए हमें किसी का नहीं पता कि सम ऑफ वैल्यूज क्या है टोटल का, तो x रख दिया हमने। 5 इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 54 हो जाएगा। इधर क्या बच गया जी, हमारे पास x बच गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 को 54 से, तो हमारे पास आ गया जी 270 आंसर आ गया x। ठीक है, अब हमारे पास जो x की वैल्यू है ना, वो क्या है जी, 270। अब हम क्या निकालेंगे, ये सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे, सम ऑफ नंबर्स, आप इधर ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ गिवन नंबर्स 26 + 28 + 30 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं इसको जी, 26 + 28 + 30, ये हमारे पास आ गया जी 84 आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा से अगेन समझे, एवरेज दी हुई थी 54, 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, बाकी 2 नंबर्स हमें नहीं पता, तो जो बाकी 2 नंबर्स बच गए हैं ना, उनकी एवरेज निकालनी है हमने। वो बाकी 2 नंबर्स कितने बनते हैं वो नहीं निकालने, हमने क्या निकालनी है, उसकी एवरेज निकालनी है। तो हमें पता है एवरेज का ये फार्मूला, हमने एवरेज का फार्मूला लगाया, हमें सम ऑफ नंबर्स नहीं पता था, सम ऑफ वैल्यूज नहीं पता था, इसलिए हमने उसकी जगह क्या रख लिया, एक्स रख लिया, और 270 आंसर आ गया। इसके बाद जो हमारे पास गिवन नंबर थे ना, उनका हमने सम कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 84। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ समझे कि सम ऑफ थ्री नंबर्स हमारे पास है, अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ अदर टू नंबर्स, सम ऑफ अदर टू नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ अदर टू नंबर्स कैसे निकलेगा, हमारे पास जो तीन नंबर्स थे या पांच नंबर्स थे उसकी जो एवरेज आ रही थी वो 270 आ रही थी, तो 270 माइनस 84 कर देंगे, हम करके देख लेते हैं जी, 270 माइनस 84 ये हमारे पास आ गया जी 186 आ गया। अब यहाँ से चीज़ अगेन समझें कि तीन नंबर्स का सम 84 है और जो बाकी नंबर्स बच जाते हैं ना उनका सम क्या है जी 186 है, बाकी जो दो नंबर बचते हैं उनका सम क्या है हमारे पास 186 है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पांच नंबर की एवरेज ये थी, ठीक है, तो पांच नंबर की एवरेज में से हमने तीन का प्लस निकाल दिया तो हमारे पास बाकी जो दो नंबर्स बच गए हैं ना उनका प्लस आ गया। अब हमने जो बाकी दो नंबर बच गए थे, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर टू नंबर्स, बाकी जो दो नंबर्स बच जाते हैं ना उनकी एवरेज निकालनी है। तो अब हम निकालेंगे एवरेज ऑफ अदर टू नंबर्स, तो एवरेज आपको पता है किस तरह निकलेगी, बाकी दो नंबर बच गए हैं तो दो पे ही डिवाइड कर देंगे हम, जब इसको हम टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 93 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी आंसर आ गया लास्ट पे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को एक दफ़ा एडजस्ट करके इसका क्या कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस सवाल में आपको कोई और मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको बता दिया जाएगा, मज़ीद समझा दिया जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है जी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर्स इज़, हमारे पास चार नंबर हैं, थ्री है, फोर है, फाइव है और एक्स है, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनका जो मल्टीप्लाई है वो 480 है। वो कहते हैं इनका मल्टीप्लाई तो पता है, बताओ इन चार नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो भाई जब ये तीन हमारे पास चार नंबर हैं, इसका हमारे पास क्या है जी मल्टी प्रोडक्ट ये है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट करके हम उसकी क्या निकाल लेंगे जी, एवरेज निकाल लेंगे। देखें जी इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर्स, हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 480, ठीक है। यानी कि इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी 480 आता है, थ्री फोर द 12, 12 फाइव द 60 आ जाता है हमारे पास, तो 60 और साथ आ गया x। अगर इस तरह नहीं समझ आ रही तो आप बैकवर्ड जा सकते हैं, 5 4 20 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आ गया और x का x आ गया इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 480 आ गया। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, x इज़ इक्वल टू 480 ओवर 60। जब हम 480 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8। अब हमें इन चार नंबर्स की एवरेज निकालना बहुत इजी है, देखें जी एवरेज इज़ इक्वल टू 3 + 4 + 5 + चौथा नंबर हमें नहीं पता था, हमने अब पता लगा लिया, वो क्या है जी 8 है, डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं 4, ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है 4 है, तो 4 पे डिवाइड कर देते हैं, पहले इनको प्लस कर लेते हैं हम, 8 + 5 + 4 + 3 हमारे पास ये आता है जी 20 / 4, तो हमारे पास एवरेज कितनी आ गई 4 5 20, ठीक है, तो हमारे पास एवरेज क्या आ गई जी 5। अच्छा पेपर के अंदर है ना आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ये आंसर है, आप जस्ट जो लास्ट पे आंसर आता है ना उसको बॉक्स में कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा ये आंसर है, ठीक है। स्टार्ट आपने जो लेना है वो सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपने बताना है गिवन डाटा टू फाइंड कैलकुलेशन, उसके बाद ये कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। मेथड वो होगा आपका, अगर आप सीएसएस के पेपर में जो फाइनल एबिलिटी का पेपर होता है, अगर वन पेपर का एमसीक्यूज है तो आप रफ अमल में जैसे मर्जी करें आपने आंसर ही निकालना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ,
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द एवरेज वेजेस ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग 15 कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार मुसलसल डेज वाज 90 पर डे. मतलब कि कुछ मजदूर हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो पर डे की कितनी है, एक मजदूर की 90 रुपये है, ठीक है. यानी कि 15 दिनों की उनकी पर डे की लिहाज से लगाया जाए तो पर डे की उनकी 90 बनती है. फॉर फर्स्ट 7 डेज द एवरेज वाज 87. यानी कि पहले 7 दिन उनकी कितनी रहती है, एवरेज 87 होती है, और जो लास्ट वाले 7 दिन है ना उनमें 92 होती है. फाइंड एवरेज ऑन द 8th डे. 8वें दिन क्या होगी वो बता दें. इस क्वेश्चन को मैं मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है. हमारे पास जो मजदूर हजरात हैं ना उनकी 15 दिनों की जो सैलरी है, 15 दिन यानी कि उनकी जो मुसलसल डेली बेसिस पे सैलरी होती है ना वो 90 पर डे है, यानी कि एवरेज है 90 पर डे, ठीक है. अगर वो कहता है कि अगर उनकी एवरेज लगाई जाए ना सिर्फ पहले 7 दिनों की, तो पहले 7 दिनों की उनकी जो एवरेज होती है वो 87 पर डे की है, और जो लास्ट वाले 7 डे है उसकी कितनी है जी, 92 है. अब पहले 7 भी बता दिए, लास्ट वाले भी 7, उसने 8th डे की नहीं बताई. अब 8th डे की हमने खुद निकालनी है, ठीक है. अब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे जी फर्स्ट 7 डेज सैलरी, सैलरी भी लिख सकते हैं, वेजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है. पहले 7 दिनों की, तो 7 मल्टीप्लाई बाय पहले 7 डेज की कितनी थी जी, 87 थी. इसका जो भी आंसर आएगा हम इधर लिख देंगे, ठीक है. लास्ट 7 डेज सैलरी इज इक्वल टू, लास्ट 7 डेज की क्या थी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, दी एवरेज वाज 87 एंड फॉर द 7 डेज वाज कितनी थी जी, 92 थी, ठीक है. ये लिखा हुआ 92, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख देंगे हम. यहाँ पे लिखेंगे एवरेज सैलरी ऑफ 15 डेज, टोटल 15 दिनों की कितनी है, तो वो 15 मल्टीप्लाई बाय इसने क्या लिखा हुआ था 90, तो 90 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. अभी तक हमारा सवाल ये था कि जो फर्स्ट 7 डेज है उनकी सैलरी पर डे यानी कि एवरेज कितनी थी, 87 थी पर डे, तो हम 87 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लास्ट 7 डेज की सैलरी कितनी थी, 92 थी, 7 डेज की थी, 92 को 7 पे, 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एवरेज सैलरी ऑफ 15 डेज, टोटल 15 डेज की कितनी है, 90, तो 15 को क्या कर देंगे हम, 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं. देखें जी जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 7 को जब 87 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 609 आ जाता है, 7 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 644 आ जाता है, 15 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1350 या 1350 आ जाता है, ठीक है हमारे पास. अब देखो हम क्या करेंगे, ऐड 7 प्लस 7 डेज, मतलब कि 609 प्लस 644. अगर हम पहले 7 दिनों की और लास्ट 7 दिनों की जो एवरेज बनी है, जो उनकी सैलरी बनी है, एवरेज नहीं है, जो उनकी सैलरी बनी है, हम उनको ऐड कर दें, तो ये कितने दिनों की आ जाएगी, 14 डेज की आ जाएगी. कितने दिनों की, 14 डेज की. हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जी, 609 प्लस 644 हमारे पास आ गई जी 1253. भैया जी ये देखें जी, हमारे पास 14 डेज की 1253 आती है, 1253 आती है, ठीक है, और हमारे पास 15 डेज की कितनी आई, 1350. तो हम एवरेज सैलरी 8th डे, 8वें दिन की निकालनी हो तो हमारे पास 14 डेज की भी मौजूद है, 15 डेज की भी मौजूद है, तो 15 में से 14 डेज निकाल देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग 1 बचता है उसकी निकल आएगी. तो देखें जी 1350 माइनस 1253 माइनस कर देते हैं जी, 1350 माइनस 1253 97 बनता है जी, ठीक है. तो हमारे पास
जो लास्ट पे आंसर आया वो क्या है जी, 97। अब यहाँ पे मैंने रख दिया, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे मज़ीद समझ सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एवरेज ऑफ 12 पीपल इज़ 20 ईयर्स। हमारे पास 12 लोग हैं, उनकी जो एवरेज एज है ना वो कितनी है, 20 ईयर्स है। इफ़ 4 पीपल ज्वाइन देम, अगर 4 और इनमें ऐड कर दिए जाए, यानी कि अगर ये लोग 16 बन जाए, देन एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो एवरेज कितनी बन जाती है, एक साल और मज़ीद बन जाती है। पहले 20 थी, अब कितनी बन जाएगी, 21 ईयर्स। द न्यू एवरेज ऑफ न्यू 4 पीपल विल बी, वो कहते हैं कि जो नए 4 लोग ऐड हुए हैं ना उनकी क्या एवरेज होगी वो निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे जी, देखें जी, एवरेज ऑफ 12 की एवरेज क्या थी जी, 20 थी। एवरेज ऑफ 12 में कितने लोग ऐड हुए जी, 4 लोग और ऐड हो गए। देखें जी, हमारे पास एवरेज ऑफ 12 पीपल की 20 थी, अगर इनमें 4 और ऐड कर दिए जाएं तो ये 16 बन जाते हैं। वो कहते हैं एक साल बढ़ जाती है, तो 20 में एक ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया जी, 21 बन गया। तो एवरेज ऑफ 12 से मल्टीप्लाई, एवरेज ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो देखें 20 को 12 से ज़रब देते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 20 को 12 से तो हमारे पास 240 आ जाता है। 21 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 336 आ जाता है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, डिफरेंस फाइंड करना है। हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखें जी, 336 माइनस 240, जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, 96 आता है, ठीक है। तो इनका जो दरमियानी फ़र्क है वो कितना है जी, 96 है, ओके जी। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द न्यू एवरेज ऑफ न्यू 4 पीपल, जो नए 4 लोग ऐड हुए हैं ना उनकी एवरेज बताओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ 4 पीपल भी लिख सकते हैं आप न्यू 4 पीपल भी लिख सकते हैं। तो 96 बाय 4, जब 96 को 4 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, 24, ठीक है। ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन को अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 12 लोगों की जो एवरेज एज थी वो 20 थी। वो कहता है अगर 12 में 4 लोग और ऐड हो जाएं तो ये जो एवरेज 20 है ना, ये 20 से बढ़ के क्या बन जाती है, 21 बन जाती है। वो कहता है जो नए 4 ऐड हुए ना, 4 इनमें ऐड करने से 16 लोगों की 21 बन जाती है, ठीक है। लेकिन इन 4 अकेले बंदों की कितनी होगी, जैसे कि 12 अकेले बंदों की, यानी कि दो ग्रुप है ना, एक 12 का ग्रुप है और एक 4 का ग्रुप है। 12 का जो ग्रुप है उनकी एवरेज 20 बनती है, जो 4 का ग्रुप है उसकी क्या बनेगी। तो हमने पहले क्या किया, एवरेज ऑफ 12 निकाली तो हमारे पास 240 आ गई, ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर हमने 12 में 4 लोग और ऐड किए तो हमारे पास 336। हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर ये 12 लोग हो ना तो ये 240 बनती है इनकी सम टोटल, ये अगर ये 16 हो तो इनका कितनी बनती है, 336। हमने इनका डिफरेंस निकाला तो वो आ गया 96। इसका मतलब है 12 की तो ये है, 16 की ये है, तो 4 की क्या होगी सम, ये होगा, ये 4 का सम है। तो हमने एवरेज ऑफ, अब इसकी एवरेज निकालनी है तो 4 पे ही क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज वी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे पास एवरेज कितनी है जी, वी है। 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी बनती है, वी। ये पेपर में सवाल आ चुका है, ठीक है ना। If one of the number is z, अगर उनमें से एक z हो दूसरा y हो, so what is the remaining numbers? तो जो बाकी नंबर बचता है उसकी क्या एवरेज निकालेंगे आप, उसका क्या आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास देखें जी, नंबर्स कौन कौन से हैं जी, एक y है और दूसरा हमारे पास z है। वो कहते हैं एवरेज v है, नंबर्स वाई और जी है, जो तीसरा नंबर है तो वो क्या बनेगा हमारे पास।
हम लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड नंबर विल बी, हमारे पास जो तीसरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा जी, हम उसका नाम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको फार्मूला पता है, एवरेज बराबर होता है जी सम ओवर नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज कर देते हैं। एवरेज हमारे पास क्या है जी, वी है, सम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, नीचे क्या आ गया, नंबर्स हमारे पास कितने हैं, एक दो तीन, थ्री नंबर्स हैं हमारे पास, थ्री इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, थ्री वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी आ गया। देखिए हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स, क्योंकि जिसको लेट किया जाता है ना वैल्यू भी उसी की निकाली जाती है, तो एक्स इधर ही रह जाएगा, बाकी सबको उठाते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया जी थ्री वी माइनस वाई माइनस जी, यह हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, एक्स की आ गई, यही हमने फाइंड करना था। तो क्वेश्चन देख के आपने परेशान नहीं हो जाना, बहुत सिंपल था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसके बाद एक सवाल जो आपने करना है और मुझे सेंड करना है वह जी एवरेज ऑफ ए बी सी इज़ 32, अगर तीन नंबर्स की एवरेज 32 हो एंड एवरेज ऑफ ए बी इज़ 30, तीन नंबर्स की 32 है और ए बी की क्या है जी 30 है, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, तीसरे की फाइंड करनी है। तो भाई देखें जी, तीन नंबर्स हैं हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, एवरेज 32 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 3 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 और नीचे 3 आ जाएगा। यहाँ से हमने सिंपल सी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई मसला वगैरह है या परेशानी है किसी सवाल में, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसको उसका आंसर दे दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी चाहिए, तो तभी आप मुझे व्हाट्सएप पे रابطہ करें, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी सेंड कर दिया जाएगा।